बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम जो लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं उसके इब्तदा में मैं आपको थोड़ा सा जनरल नॉलेज के बारे में बताऊंगा। जो सबसे पहले वाले स्टूडेंट हैं मेरे जो इस बैच में हैं इंटेलिजेंस ब्यूरो में जिन्होंने अप्लाई किया था, वो तो ये वाली बात सुन सुन के तंग आ चुके होंगे कि जनरल नॉलेज होता क्या है, इसमें कौन कौन से पार्ट होते हैं। लेकिन अब कुछ न्यू स्टूडेंट्स और हैं जो तीन सीटें आई हैं, तीन डिफरेंट सीटें आई हैं जिनके अभी तक एग्जाम नहीं हुए। एक आई है इंटेलिजेंस ब्यूरो की, ये आई थी नवंबर में। फिर आई एएसएफ की सीटें, उसके भी एग्जाम अभी तक नहीं हुए। और अब जो लेटेस्ट सीटें आ गई हैं वो आ गई हैं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस आईएसआई की। तो ये तीनों सीटें हैं जिनके अभी तक एग्जाम नहीं हुए। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने तीनों सीटों पे अप्लाई किया हुआ है, कुछ आप में से ऐसे हैं उन्होंने दो सीटों पे अप्लाई किया हुआ है, एएसएफ और एमओडी पे, और आप में से कई स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने सिर्फ एमओडी के ऊपर अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आप तीन तरह के लोग हैं जो जिसने कईयों ने तीनों सीटों पे अप्लाई किया है, किसी ने दो पे अप्लाई किया और किसी ने सिर्फ एक सीट के ऊपर अप्लाई किया है, एमओडी के ऊपर। इन तीनों सीटों का जो एग्जाम होना है वो एक एग्जाम होना है जिसको जनरल नॉलेज बेस्ड एग्जाम कहते हैं, एमसीक्यू बेस्ड एक टेस्ट होना है। पहले लेवल पे आपका सिर्फ जो एग्जाम होगा, जो इसको स्क्रीनिंग टेस्ट हम बोलते हैं, वो एमसीक्यूज का एग्जाम होगा। ठीक है, अब हम तीनों का सिलेबस मुख्तसर तौर पे देख लेते हैं। मैं आपको ये बात बताना चाह रहा हूँ कि तीनों में का जो सिलेबस है उसके अंदर आखिर फर्क कितना है, और अभी आगे भी और सीटें आनी हैं आपकी, एफआईए की आनी है, पीपीएससी की सीटें इस वक्त आई हुई हैं, और भी सीटें आती रहती हैं जनरल नॉलेज बेस्ड। तो उनके जो कोर्स होता है उसमें कितना डिफरेंस होता है, मैं ये चीज आपको समझाना चाह रहा हूँ। सबसे पहले देखिए, तीन तरह की मैंने सीटें बताया, एडी एफजीओ की आई थी जिसको हम आईबी बोलते हैं, इंटेलिजेंस ब्यूरो बोलते हैं। उसके बाद एडी और इंस्पेक्टर एएसएफ की सीट आ गई, और अब मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की सीटें आ गई। सबसे पहले जो सबसे पहले सीट आई थी एडी आईबी की सीट, ये आपकी सीट आई थी 20 नवंबर 2023 को। आप में से कुछ लोग न्यू हैं, उनको पता ही नहीं चला होगा, और जितनी सीटें अब तक आई हैं अगली दो, सबसे जो बेहतरीन सीट है वो एडी आईबी की है, जो कि जिसके ऊपर जो कि एक सिविलियन अदारा है और टोटल खुद मुख्तार अदारा है। हमें चले इस चीज से भी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता कि खुद मुख्तार है या नहीं है, हमें तो ये चीज देखनी है कि सैलरी कितनी है। तो 1.5 लाख रुपया इसकी सैलरी है एडी आईबी की। अख्तियारात बेशुमार हैं, सीएसएस से भी अच्छी जॉब है जिन लोगों ने इस सीट के ऊपर अप्लाई किया, और इसकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं थी, ना इसमें आपका मेडिकल चाहिए ना इसमें आपकी हाइट चाहिए। सिर्फ इसकी एक रिक्वायरमेंट थी कि आपके पास 16 साल की एजुकेशन होनी चाहिए, जो कि आपकी सेकंड क्लास में होनी चाहिए, 45% नंबर होने चाहिए। और बहुत सारे आप में से लोग इस क्राइटेरिया के ऊपर पूरे उतरते हैं, क्योंकि ना उन्होंने कोई आपसे हाइट मांगी, ना वेट मांगा, ना रनिंग मांगी, कुछ भी नहीं मांगा, सिर्फ ये मांगा कि जी आपके पास एक डिग्री हो 16 साल की, किसी भी फील्ड में हो, चाहे वो आपने केमिस्ट्री में की हो, फिजिक्स में की हो, कोई इंजीनियरिंग आपने की हो, आपने प्राइवेट एमए किया हुआ हो, आप एमबीबीएस डॉक्टर हो, आप जो चाहे डीवीएम डॉक्टर हो, आप चाहे फार्मासिस्ट हो, आप सारे इस पे अप्लाई कर सकते थे। अब जब इतने बड़े लेवल पे आप सब इसमें अप्लाई कर सकते थे, तो इसका मतलब जो इसका एग्जाम होगा वो सबसे डिफिकल्ट भी होगा। अब उसके अंदर जो सब्जेक्ट आपके आने हैं वो ये सब्जेक्ट हैं जी आपके सामने, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, करंट अफेयर्स, पाकिस्तान अफेयर्स, इस्लामिक स्टडीज, एवरीडे साइंस और जनरल नॉलेज, 7 सब्जेक्ट हैं इसके एडीआईबी के। ठीक है, और इसकी मैंने वो अभी ग्रुप के अंदर भी आप लोगों ने सिलेबस शेयर किया, 20 मार्क्स की इंग्लिश है, 20 मार्क्स का मैथ है, 20 मार्क्स के करंट अफेयर्स है, 20 मार्क्स का पाकिस्तान अफेयर और इस्लामिक स्टडीज कंबाइन है, और एवरीडे साइंस जो है 20 मार्क्स की है, और ये 100 नंबर के एमसीक्यूज ही होते हैं बस। और इसका जो मेरिट होता है वो 80+ होता है, 85 तक भी चला जाता है। 100 में से 85 नंबर लेने होते हैं आपने
इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। और तैयारी आपने किन सब्जेक्ट्स की करनी होती है? इन 6 सब्जेक्ट्स की तैयारी करनी होती है, साथ में जनरल नॉलेज भी मिला लें, 7 सब्जेक्ट्स की आपने तैयारी करनी होती है। इन द मीन वाइल एएसएफ के अंदर जॉब्स आ गई, एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स में, ये इस साल जनवरी के महीने के अंदर जॉब आई। इसमें 2 तरह की जॉब थी, एक जॉब थी असिस्टेंट डायरेक्टर की और एक जॉब थी इंस्पेक्टर की। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए रिक्वायरमेंट थी 16 साल की एजुकेशन, बट इन्होंने साथ में कुछ कंडीशंस लगा दी, हाइट, वेट, आई साइट और जो है आपका चेस्ट, इसकी मेजरमेंट होनी थी। तो बहुत सारे लोग आप में से रूल आउट हो गए जो इसके ऊपर अप्लाई ही नहीं कर सके, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ और इंस्पेक्टर एएसएफ में, क्योंकि हाइट की रिक्वायरमेंट की वजह से शॉर्ट लिस्ट हो गए स्टूडेंट, और इसका एग्जाम कंपैरेटिवली आसान होता है। एडी एएसएफ का और इंस्पेक्टर एएसएफ का एग्जाम एमओडी और आईबी की निस्बत आसान होता है, और स्टेप भी बहुत कम है इसके, टेस्ट है, मेडिकल है और डायरेक्ट आपकी उसके बाद सिलेक्शन है। ये असिस्टेंट डायरेक्टर की थी, ये इंस्पेक्टर ही की, इसी के साथ आई थी, ठीक है। इसका सिलेबस आप देखें तो इसमें भी 6 ही सब्जेक्ट हैं, इंग्लिश है, मैथमेटिक्स है, करंट अफेयर्स है, इस्लामिक स्टडीज है, पाकिस्तान अफेयर्स है, और एक सब्जेक्ट हमें न्यू नजर आता है जो हमें बाकियों में नहीं नजर आता, एएसएफ एक्ट, ये 20 मार्क्स। लेकिन ये वाले 5 सब्जेक्ट सेम है वही जो आईबी के अंदर है, ठीक है। ए सिर्फ जो लोग एएसएफ के ऊपर अप्लाई करते हैं उनको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ता है, एडी, ये एएसएफ का एक्ट 1975 का, और सिक्योरिटी मेजर्स। और ये आपको सिर्फ और सिर्फ जब आपकी डेट शीट अनाउंस होती है, पेपर अनाउंस होता है, रोल नंबर स्लिप्स आ जाती हैं, तो उससे एक हफ्ता पहले पढ़ना होता है, उससे पहले आपको ये पढ़ने की जरूरत नहीं होती जो लोग एएसएफ के ऊपर अप्लाई करते हैं। आप अपना जनरल नॉलेज ही तैयार करते रहते हैं, इसको आप स्किप करके रखते हैं, आखिरी हफ्ते में सिर्फ आपने ये तैयार करना होता है, और इसके अंदर आसानी से 18 नंबर 20 में से 17 नंबर 18 नंबर आप लोगों के आ जाते हैं। उसके बाद हम आ जाते हैं जो अब सीटें आई आईएसआई पाकिस्तान में, और इसमें सीटें काफी टाइप्स की हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर भी है, सब इंस्पेक्टर भी है, सिक्योरिटी सुपरवाइजर भी है, और कोई 10-12 किस्म की ये जॉब है। सबका सिलेबस सेम होगा, चाहे वो असिस्टेंट डायरेक्टर है, चाहे वो सब इंस्पेक्टर है, चाहे वो ट्रैफिक एनालिस्ट है, चाहे वो असिस्टेंट है, चाहे लोअर डिवीजन क्लर्क है, चाहे अपर डिवीजन क्लर्क है, सबका पेपर इन 9 सब्जेक्ट्स में से बनेगा। फिर फर्क क्या होगा असिस्टेंट डायरेक्टर और एक जो है 9वें स्केल की सीट में, स्पेशल ऑपरेटर की हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। फर्क ये होगा कि जो एडी का पेपर होगा उसका डिफिकल्टी लेवल हार्ड होगा, उसके जो एमसीक्यूज होंगे, जो पहले नंबर पे आपका पेपर होना है, वो मुश्किल होंगे, ठीक है। जबकि जो स्पेशल ऑपरेटर का पेपर होगा वो कंपैरेटिवली आसान होगा। फॉर एग्जांपल, एक एमसीक्यूज की ही मैं आपको एग्जांपल दे देता हूं कि एडी के पेपर में वो आपसे पूछेगा 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन किस डेट को पास हुआ, ठीक है। वो आपसे पूछेगा 23 मार्च को पास हुआ, 14 अगस्त को पास हुआ, 23 जून को पास हुआ, इस तरह करके मुश्किल बनाएगा एमसीक्यू, आपसे डायरेक्टली डेट पूछेगा, वो आसानी आसान चीज नहीं देगा। इसके मुकाबले में अगर यही सवाल वो पूछना चाहेगा आपसे स्पेशल ऑपरेटर की सूरत में, तो वो आपसे ये पूछ लेगा कि पाकिस्तान का जो आईन है जो मौजूदा वो कौन सा चल रहा है, 1956, 1962 या 1973। तो आप टिक करेंगे 1973 का आईन इस वक्त पाकिस्तान में लागू है। दोनों के एमसीक्यू में बड़ा फर्क आ गया, एक में वो सिर्फ आपसे बिल्कुल आसान चीज पूछेगा अगर स्पेशल ऑपरेटर का या जूनियर क्लर्क का पेपर है, कि वो सिर्फ आईन का साल पूछ लेगा,
जबकि अगर वो डिफिकल्टी लेवल को बढ़ाएगा, जैसे जैसे सीट का स्केल बढ़ता जाएगा उसका डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, वो आपसे उसके मजीद एस्पेक्ट्स पूछेगा, सिंपल सवाल नहीं पूछेगा। फर्क सिर्फ इतना है, क्योंकि ये बड़े मतलब स्टूडेंट्स का मुझे क्वेश्चन आ रहा था, कुछ लोगों ने सिर्फ मतलब एडी पे अप्लाई नहीं किया, वो सब इंस्पेक्टर पे अप्लाई किया है, तो वो यही कह रहे थे कि सर सिलेबस, मैंने मतलब वो एक मैसेज जो रोटेट किया हुआ है कि ये सिलेबस है एमओडी का, तो वो उनको कंफ्यूजन हो रही है कि सिलेबस सबका सेम कैसे हो सकता है। तो जी सिलेबस भी सेम है और स्टेप्स भी सेम है, आपको 4 स्टेप से गुजरना पड़ेगा एमओडी के लिए। पहले आपको एक एमसीक्यू उसका पेपर देना पड़ेगा, उसके बाद आपको एक सब्जेक्टिव पेपर देना पड़ेगा जिसमें आपने लंबे लंबे क्वेश्चन लिखने हैं, उसके बाद आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट देना पड़ेगा जिसमें आपकी साइकोलॉजी चेक होगी, और उसके बाद आपका फाइनल इंटरव्यू होगा। ये सीट का जो सिलेबस है वो सारी सीटों का बाप है, समझ लें। जिसने एडी एमओडी का सिलेबस कवर कर लिया, उसने जो मर्जी पेपर आ जाए जनरल नॉलेज बेस, उसका सबका सिलेबस कवर हो जाएगा, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को 9 सब्जेक्ट पढ़ने पड़ते हैं। अब इन 9 में देखिए कि ये वाले जो हैं, ये और ये, एडी आईबी के लिए भी यही है, एएसएफ के लिए भी यही है, इवन एफआईए के लिए भी ये होंगे, आप पीपीएससी की किसी सीट पे अप्लाई करेंगे उसके लिए भी ये सारे सब्जेक्ट लाजमी होंगे, आप अपने कोई सिंध बलोचिस्तान गिलगत बल्तिस्तान के आपके अपने अपने जो सर्विस कमीशन हैं वहां पे जो जनरल नॉलेज की सीट आएगी उसमें भी यही सब्जेक्ट होंगे। इनमें जो एमओडी, इसीलिए जो मैंने बैच लॉन्च किए हुए हैं आईबी के या जो एमओडी वगैरह के, वो 2 महीने या 3 महीने की रेंज में है। जो एमओडी का बैच है वो उसमें हमें फिक्स 3 महीने पढ़ना ही पड़ता है, क्योंकि आपको 9 सब्जेक्ट कवर करने होते हैं, बाकी सीटें 2 महीने में आप कवर कर सकते हैं, लेकिन एमओडी की सीटों का सिलेबस आपको कम से कम 3 महीने लगा के कवर करना पड़ता है। और पेपर जब आपके होने हैं, इतना टाइम होगा कि ऑलमोस्ट 3 महीने बाद ही इसकी जो पेपर है वो अनाउंस होंगे। उसके बाद जो पंजाब के लोग हैं पीपीएससी के अंदर जो अप्लाई करते हैं, उनको भी उनका पेपर आप समझ लें कि एमओडी के लेवल का पेपर होता है, एएसएफ का, एफआईए का, आईबी का, उसमें सिर्फ 6-6 सब्जेक्ट हैं, लेकिन एमओडी के अंदर 9 सब्जेक्ट हैं। सिमिलरली आप में से जो लोग पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब की इस वक्त सीटें आई हुई हैं बेसिकली ग्रेजुएशन बेस पे, सिर्फ 14 ईयर ऑफ आपकी एजुकेशन होनी चाहिए और आप बहुत सारी सीटें ऐसी हैं जिनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, लेबर इंस्पेक्टर है, लेबर ऑफिसर है, जूनियर क्लर्क है, इस तरह की, और उनकी रिक्वायरमेंट यही है कि आपने एक जनरल नॉलेज का पेपर पास करना है, तो उसके अंदर ये 9 सब्जेक्ट होते हैं। मीन जो एमओडी की तैयारी करता है उसका पीपीएससी भी क्लियर है, उसका एएसएफ भी क्लियर है, उसका आईबी भी क्लियर है, उसका एफआईए भी क्लियर है, एंड लेटर ऑन जो जो सीटें आती हैं बाद में वो उसकी सब की तैयारी हो जाती है। यहां तक आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो, कोई मसला? नहीं है तो आज हम जो बेसिकली स्टार्ट करने जा रहे हैं सब्जेक्ट, वो हम जो स्टार्ट ले रहे हैं वो करंट अफेयर से स्टार्ट ले रहे हैं। अब करंट अफेयर्स के नो एएसएफ के में डिस्क्रिप्टिव टेस्ट नहीं होता, मैंने आपको पहले बताया कि ये सबसे सिंपल जो है ना कैटेगरी है, जस्ट आपने पेपर देना है एक 100 नंबर का एमसीक्यू, उसमें 80 से ज्यादा नंबर वाले का ही मेरिट बनता है। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट साथ साथ तैयार करना चाहिए, नहीं एमसीक्यू के बाद नहीं, आपको साथ साथ तैयार करना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव टेस्ट बहुत सारे लोगों का पास नहीं हो पाता, इसलिए आपको उसकी तैयारी साथ साथ करनी चाहिए डिस्क्रिप्टिव की।
अब हम आ जाते हैं करंट अफेयर्स के ऊपर। करंट अफेयर्स वो सब्जेक्ट है जो 20 मार्क्स का, जिसके एमसीक्यूज आपको जो मैंने अभी कैटेगरीज बताई एग्जाम की, उन सब के अंदर ही आने हैं। करंट अफेयर्स जो हैं आपके एडीआईबी में भी आने हैं 20 नंबर के, इंस्पेक्टर एएसएफ में भी 20 नंबर के आने हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एएसएफ में भी 20 नंबर के आने हैं, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस की जितनी सीटें हैं सब के अंदर करंट अफेयर्स ने आना है। अब हम सबसे पहले करंट अफेयर्स को समझने की कोशिश करते हैं कि ये होते क्या हैं। करंट अफेयर्स से मुराद है जो आपके सामने न्यू इवेंट्स हो रहे हैं दुनिया के अंदर। ये देखिए, बाय डेफिनेशन इवेंट्स ऑफ पॉलिटिकल एंड सोशल इंटरेस्ट एंड इम्पोर्टेंट हैपनिंग इन द वर्ल्ड एट द प्रेजेंट टाइम। मौजूदा वक्त में जो दुनिया में या पाकिस्तान में इवेंट्स हो रहे हैं, चाहे वो पॉलिटिकल नेचर के हैं, चाहे वो सोशल नेचर के हैं, चाहे वो इकोनॉमिक से रिलेटेड है, चाहे वो सिक्योरिटी से रिलेटेड है, वो सारे जो हैं करंट अफेयर्स के जिम्मे में आते हैं। अब करंट अफेयर्स कितने सालों को, प्रेजेंट टाइम से क्या मुराद है? प्रेजेंट टाइम से मुराद क्या मैं ये ले लूं कि आज का दिन, या मैं उसको एक हफ्ता कहूं कि एक हफ्ता प्रेजेंट टाइम कहलाएगा, या एक महीना उसको कहूं कि प्रेजेंट टाइम एक महीना होता है। तो इसको डिफाइन कर दिया गया है कि प्रेजेंट टाइम से मुराद आपके 5 साल हैं। जो आपकी जिंदगी के पिछले 5 साल हैं वो के उसके अंदर जो जो इवेंट्स पेश हुए हैं वो करंट अफेयर्स के अंदर आते हैं। मतलब आप लगा लें 2019 से लेके 2024 के दरमियान जो जो इवेंट्स पेश आए पाकिस्तान में या इंटरनेशनल लेवल पे, जो सियासी नोयत के थे, सामाजिक नोयत के थे, माइशत से तल्लक रखते थे, मींस पॉलिटिकल थे, सोशल थे या इकोनॉमी से रिलेटेड थे, वो सारे इश्यूज आपके करंट अफेयर्स के जिम्मे में आ जाते हैं। ये जो करंट अफेयर्स का सब्जेक्ट है ना, ये बड़ा एक आप लगा लें कि मतलब जैसे दूसरे सब्जेक्ट होते हैं ना, पाकिस्तान अफेयर है वो स्टैटिक नॉलेज है, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम कब आया, गोरी ने क्या किया, मुगल बादशाहों ने क्या किया, पाकिस्तान बनाने के लिए कैद आजम ने क्या किया, कौन कौन सी तरीके आई, वो हिस्ट्री बदलनी नहीं है, हिस्ट्री आपकी सेम ही रहनी है। लेकिन जो आपके करंट अफेयर्स हैं वो डेली बेसिस पे चेंज होने हैं। अगर हम एक वीक के अंदर इस हफ्ते में करंट अफेयर्स स्टडी कर लेंगे तो उससे अगले दिन भी तो करंट अफेयर्स का ही दिन है ना। तो करंट अफेयर्स के लिए एक चीज मस्ट है, और मैं ये आपको सिर्फ ना सिर्फ करंट अफेयर्स के लिए बाकी सब के लिए भी, जो एक चीज मस्ट है वो चीज है न्यूज़पेपर या कोई न्यूज चैनल जो आपको डेली बेसिस पे सुनना है, जिसको आपको तैयार करना है डेली बेसिस पे, पाकिस्तान लेवल का भी और इंटरनेशनल लेवल का भी न्यूज़पेपर आपको रीड भी करना है और न्यूज़ सुननी भी है। अपनी जिंदगी में इसको अपना आपको पार्ट बनाना पड़ेगा, क्योंकि करंट अफेयर्स आपके चेंज होते रहने हैं टिल द लास्ट डेट पेपर तक, और वो पेपर के आखिरी दिन तक जो जो इवेंट होंगे वो करंट अफेयर्स में शामिल होंगे, ठीक है। तो इसके लिए आप लोग जो हैं वो लाजमी तौर पे न्यूज़पेपर पढ़ें, डॉन न्यूज़पेपर के आजकल कॉलम आ जाते हैं, मेरे जो फ्री मटेरियल वाले ग्रुप हैं उसके अंदर भी मैं भेजता हूँ, ठीक है। तो मटेरियल का तो खैर मसला ही नहीं होता आजकल, मतलब अवेलेबल होता है आप लोगों को, आप कहीं से भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। और वो पढ़ने से एक फायदा आपको ये भी होगा, आपकी इंग्लिश की वोकैबलरी स्ट्रांग होगी, वोकैबलरी भी आपकी ऐसा ऐसा बनती है। वोकैबलरी ऐसे नहीं होता कि एक दिन के अंदर तैयार हो जाए, तो वो ऐसे ही आपकी तैयार होगी जब आप डेली बेसिस पे न्यूज़पेपर पढ़ेंगे। अब करंट अफेयर्स जो हैं वो बेसिकली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं नेशनल लेवल के, नेशनल लेवल से मुराद पाकिस्तान लेवल के। अब पाकिस्तान में आप देखें, मतलब अभी आपके सामने इलेक्शंस हुए, अभी आपके सामने जो हमारे पाकिस्तान के मेजर इश्यूज हैं उसमें कश्मीर का मसला है, ताहियात मसला है, 1947 से शुरू है अभी तक चल रहा है,
बलोचिस्तान अलग सूबा बनना चाहता है, बलोचिस्तान का क्राइसिस है, ठीक है, आपका जो है सिक्योरिटी मुल्क की सिचुएशन, रोज धमाके हो रहे हैं, इंपॉर्टेंट पोजीशंस आपने देखनी है, FIA का चेयरमैन कौन है, जो आपका ISI का चीफ कौन है, आपका ASF का चीफ कौन है, मतलब आपको ओवरऑल पाकिस्तान की जो करंट सिचुएशन है, जो पर्सनैलिटीज हैं, जो हैपनिंग्स हो रही हैं, पॉलिटिकल इवेंट्स हो रहे हैं, उन सब के ऊपर एक नजर रखनी पड़ेगी नेशनल लेवल पे, पाकिस्तान लेवल पे। दूसरी जो करंट अफेयर्स होते हैं वो होते हैं इंटरनेशनल लेवल के। आमतौर पे जो पेपर, एक अच्छा पेपर होता है उसमें अगर 20 नंबर के करंट अफेयर्स आने हैं तो 10 नंबर के करंट अफेयर पाकिस्तान से रिलेटेड आते हैं और 10 नंबर के करंट अफेयर्स इंटरनेशनल लेवल के आते हैं। बट एग्जामिनर इज नॉट बाउंड कि वो इसी तरह इसको डिवाइड करे 10-10 नंबर पे। वो हो सकता है कि सारे से सारे पाकिस्तान से रिलेटेड आपसे बातें पूछ ले, उसकी मर्जी है, वो सारी की सारी इंटरनेशनल लेवल की बातें आपसे पूछ ले। तो आपको इन दोनों के ऊपर ही कवरेज करनी पड़ती है। तो करंट अफेयर्स के लेक्चर हमारे इसी हिसाब से डिवाइस होंगे। मेरे 5 लेक्चर होंगे करंट अफेयर्स के आपके पाकिस्तान लेवल के, पाकिस्तान के अंदर जो हैपनिंग्स हो रही हैं, जो चीजें हो रही हैं, मैं उसके बारे में आपको बताऊंगा। और 5 लेक्चर मेरे होंगे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर, जो इवेंट्स हो रहे हैं, जो चीजें हो रही हैं, उसके बारे में बताऊंगा। हम जो करंट अफेयर्स है वो 10 लेक्चर्स के अंदर कवर करेंगे और जो मेजर मेजर टॉपिक होंगे वो हम लेक्चर के थ्रू कवर करेंगे, और बाकी जो छोटी छोटी बातें होती हैं, वन लाइनर, वो हमें फाइल्स के जरिए कवर करनी पड़ेंगी। क्योंकि देखिए, अगर आपसे वो करंट अफेयर में पूछ रहा है लता मंगेशकर की डेथ कब हुई, तो अब पूरा मैं लता मंगेशकर के ऊपर आपको लेक्चर तो नहीं दे सकता ना। और ये क्वेश्चन आया हुआ है, किस डेट को हुई पूछा हुआ था, ईयर नहीं पूछा हुआ था, लता मंगेशकर की डेथ किस डेट को हुई, उमर शरीफ की डेथ जब हुई, कॉमेडियन थे पाकिस्तान के, तो उनकी उम्र कितनी थी, 66 ईयर। अब ये इसके ऊपर हम उमर शरीफ के ऊपर तो पूरा जो है वो लेक्चर नहीं रख सकते ना। तो ऐसे पॉइंट जो हैं वो हमारे कवर होंगे थ्रू MCQ फाइल्स। और बाकी जो एक ब्रॉडर लेवल का इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का स्पेक्ट्रम होगा वो हमारा लेक्चर्स के थ्रू कवर होगा, और ये सारा कुछ आपको हेल्प करेगा आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर में। IB का जो डिस्क्रिप्टिव, IB के अंदर नहीं, सॉरी, IB का तो इंग्लिश का पेपर होना है 100 नंबर का। आपका जो पेपर होता है MOD का, वो स्क्रीनिंग के बाद, वो उसमें करंट अफेयर्स का 100 नंबर का एक पेपर होता है। तो वो यही टॉपिक होते हैं जो टॉपिक्स मैंने आपको पढ़ाने हैं। ठीक हो गया जी? तो यहां तक हमें ये चीज समझ आ गई कि करंट अफेयर जो है वो गुज़िश्ता 5 सालों में जो हैपनिंग्स हुई हैं उसको बोलते हैं, और वो हैपनिंग 2 लेवल की हैं, एक पाकिस्तान लेवल पे क्या कुछ हुआ है और एक जो है इंटरनेशनल लेवल पे क्या कुछ हुआ है। तो हम स्टार्ट करेंगे पाकिस्तान में जो 5 साल में डिफरेंट इवेंट्स पेश आए हैं उनके बारे में। तो हम स्टार्ट करते हैं उसका एक टॉपिक से जिसको हम बोलते हैं कश्मीर का इशू। कश्मीर जो है ये इसका इशू हम जो है वो डीप जाके कवर करेंगे। इसके अंदर हम ये चीज देखेंगे कि 1947 के अंदर ये मसला जो है क्रिएट हुआ पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, एक एरिया है जिसका नाम है कश्मीर, और टिल डेट आज तक इसका जो डिस्प्यूट है वो अपनी जगह कायम है। तो कश्मीर कन्फ्लिक्ट जो है वो बेसिकली, ये आपके सामने इस वक्त जो मैप शो हो रहा है ये कश्मीर का मैप है। कश्मीर इज ए डिस्प्यूट डिस्प्यूट बिटवीन हाउ मेनी न्यूक्लियर स्टेट्स, कितनी न्यूक्लियर स्टेट्स के दरमियान इशू है कश्मीर, 1, 2, 3 या 4? राइट। हम में से वैसे ज्यादातर एक आम राय ये पाई जाती है, हम ये समझते हैं कि कश्मीर इशू जो है वो पाकिस्तान और इंडिया का मसला है,
ऐसा नहीं है। कश्मीर के ऊपर जो क्लेम है वो तीन मुल्कों का है, पाकिस्तान, चाइना और इंडिया। लेकिन हमें आज तक चाइना का क्यों नहीं बताया गया? क्योंकि चाइना के साथ हमारे मामला जो हैं वो सेटल डाउन हो चुके हैं। हमने कुछ हिस्सा चाइना को दिया था 1962-1963 में कश्मीर का। तब चाइना और इंडिया की आपस में एक जंग हुई थी और पाकिस्तान और चाइना आपस में मिल गए थे और पाकिस्तान ने कुछ हिस्सा गिफ्ट के तौर पे चाइना को दे दिया था। और ये पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ये डिसाइड हो गया था कि हमारे दरमियान ऐंदा से कश्मीर के मामले पे कोई इशू नहीं होगा। तो हमें इसलिए अक्सर ये नहीं पता कि चाइना भी इसमें इन्वॉल्व है। चाइना का इशू जो है वो किसके साथ है? इंडिया के साथ। ये जब कोरोना आया था तो लद्दाख इशू चाइनीज फौजियों ने जो है वो असले के बगैर थप्पड़ मारे थे इनको, इंडियन फौजियों को। आप में से शायद कुछ लोगों ने वो लड़ाई शड़ाई देखी हो। तो वो बेसिकली चाइना और इंडिया इंडिया के दरमियान लड़ाई हुई थी, ये जब कोरोना आया था, 2019 की बात है। अब ये देखिए, यहाँ पे ये पाकिस्तान का नक्शा है, ये पाकिस्तान पड़ा हुआ है, इसके साथ ये इंडिया है और इसके साथ ये चाइना है। तो इनके दरमियान में एक रीजन ऐसा बनता है जो तीन कंट्रीज के अंदर डिवाइडेड है, जिसको कश्मीर बोला जाता है, ये वाला रीजन। ये वाला रीजन नेक्स्ट स्लाइड के अंदर आपको दिखाया गया है, ये देखिए। इसमें थ्री कलर्स हुए में, ये वाला जो हिस्सा है एक मिनट में इसका कलर चेंज कर लूं। ये वाला जो हिस्सा है जो ग्रीन कलर में है, ये कश्मीर का रीजन पाकिस्तान के पास है। पाकिस्तान के पास कश्मीर का कितने परसेंट रीजन है, कोई बता सकते हैं आप में से? पाकिस्तान के ने जो कश्मीर के कितने परसेंट हिस्सा पाकिस्तान के पास है? नहीं, 1/3, ये रफ एस्टिमेट है, एग्जैक्ट बताएं। 30%, ये भी गलत है, ऐसे नहीं। एमसीक्यू का पेपर है, आपकी ऑब्जेक्टिविटी चेक होनी है इसमें। आप रफ एस्टिमेट नहीं, एग्जैक्ट फिगर बताएं। 84,000 किलोमीटर स्क्वेयर, तो ये कितने परसेंट बनता है कश्मीर का? टेन विद चाइना, 60 विद इंडिया। नहीं, गलत बता रहे हैं। पाकिस्तान के पास जो है वो 37% रीजन है, ठीक है। और जो 38% गालमन है, ये 2 मिनट आगे स्लाइडों में मैं देखूं कहीं मैंने एग्जैक्ट फिगर लिखे हुए इसके। हाँ, ये लिखे हुए हैं। इंडिया के पास जी 45% कश्मीर है, पाकिस्तान के पास 38% कश्मीर है, जिसमें आजाद कश्मीर और गिलगत बल्तिस्तान शामिल हैं। हम में से मोस्टली लोगों को ये भी नहीं इल्म है कि गिलगत बल्तिस्तान कश्मीर का हिस्सा है, डिस्प्यूटेड रीजन है। गिलगत बल्तिस्तान जो है वो, उसको हमने एक अलग-अलग ऑटोनोमस यूनिट तो बना लिया है, लेकिन गिलगत बल्तिस्तान भी कश्मीर का हिस्सा है। तो पाकिस्तान के पास दो हिस्से हैं कश्मीर के, एक गिलगत बल्तिस्तान और एक एजे के, आजाद जम्मू कश्मीर, और ये बनता है 38%। इंडिया के पास जो कश्मीर का रीजन है, जो श्रीनगर वाला और जिसको हम ऑक्यूपाइड कश्मीर बोलते हैं, वो 45% है। और चाइना के पास जो है वो 17% है, जिसमें अक्साई चीन और तिब्बत आते हैं। अक्साई चीन और तिब्बत का एरिया आता है। ये देखिए पिक्चर में, ये ग्रीन हिस्सा पाकिस्तान के पास है
अच्छा ये देखिए, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर लिखा हुआ है, लेकिन हम ये इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड हम लोग नहीं बोलेंगे, हम इसको जो है ना वो आजाद कश्मीर बोलेंगे, एजे के, आजाद जम्मू कश्मीर, लेकिन दुनिया इसको पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहती है, इंडिया वाले को आजाद कहती है। बड़ी एक तलख हकीकत है। ये वाला रीजन इंडिया के पास है, और इंडिया ने इस रीजन को अपने अंदर जम कर लिया है। जैसे पाकिस्तान के अंदर तो जो कश्मीर है ना, जो पाकिस्तान के अंदर जो कश्मीर है वो ऑटोनोमस यूनिट है हमारी, उसको बोलते हैं, ये एमसीक्यू में भी आया हुआ है पेपर में, कश्मीर इज एन ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ पाकिस्तान, सिमिलरली गिलगत बल्तिस्तान इज ऑल्सो ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ऑफ पाकिस्तान। उसको भी कश्मीर ही बोलते हैं, अक्साई चिन का एरिया, वो चाइनीज नाम नहीं आ रहा जी। ये इसीलिए मैं कश्मीर इशू की तरफ जा क्यों रहा हूँ, करंट अफेयर से रिलेटेड, क्योंकि मैं आपको वो इवेंट्स बताने जा रहा हूँ जो 2019 से 2024 के दरमियान हुए हैं कश्मीर को लेके, जो पेपर में पूछे जाएंगे, क्योंकि कश्मीर इशू हमारी जो है वो बेस है, पाकिस्तान की बेस है। कहते हैं ना कि कश्मीर पाकिस्तान की शहर है, तो उसी वजह से कश्मीर इशू इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने जो कश्मीर था, इंडिया में भी कश्मीर एज ए ऑटोनोमस एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट ही था 2019 तक, लेकिन 2019 में इंडिया ने एक न्यू इकदाम उठाया और उन्होंने कश्मीर को अपने मुल्क इंडिया का हिस्सा बना लिया। दे नो लॉन्गर कंसीडर इट एज ए सेपरेट रीजन। जैसे हम पाकिस्तानी, आजाद कश्मीर का वजीर आजम अलग है पाकिस्तान में, जो आजाद कश्मीर का सदर है वो भी अलग है, वहां की सुप्रीम कोर्ट भी अलग है, हम सिर्फ उनका डिफेंस का सिस्टम देखते हैं, हम उनके कुछ पोर्टफोलियोज की देखते हैं, बाकी सारा कुछ वो अपना खुद ही हैंडल करते हैं आजाद कश्मीर वाले। सिमिलरली गिलगत बल्तिस्तान, गिलगत बल्तिस्तान में खैर प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट का तो नहीं, उनका चीफ मिनिस्टर होता है, लेकिन वो चीफ मिनिस्टर समझ ले ऑल इन ऑल होता है, उनके गिलगत बल्तिस्तान के अपने मामले आते हैं सारे। इंडिया में भी ऐसे ही था, लेकिन इंडिया ने इस चीज को खत्म करके हाँ जी, फॉरेन अफेयर, करेंसी एंड इंटरनल अफेयर, बिल्कुल ठीक कह है रहे हैं आप। ये तीन मैटर्स हैं जो पाकिस्तान देखता है, कश्मीर और गिलगत बल्तिस्तान के, बाकी सारे मामला वो अपने खुद देखेंगे। और इंडिया के अंदर भी ऐसा था, लेकिन 2019 में इन्होंने कश्मीर को अपने अंदर जम कर लिया और पाकिस्तान रोता रहा, पिटता रहा, दूसरे मुल्कों के आगे कहता रहा कि इंडिया ने बहुत ज्यादा ज्यादती की है हमारे साथ, लेकिन किसी ने भी पाकिस्तान की बात नहीं सुनी। कितने मुल्कों ने पाकिस्तान की बात सुनी थी, इस बात पे पाकिस्तान का साथ दिया था कि इंडिया जो है वो गलत है। दुनिया में 193 मुल्क हैं, कितने मुल्कों ने पाकिस्तान का साथ दिया था और बाकियों ने इंडिया का साथ दिया इस मामले में, एक रफ एस्टिमेट बता दें। हाँ जी, हार्डली 10। आकिब अपनी ऑब्जेक्टिविटी ठीक करो, ये हार्डली हुडली वाला नहीं, एग्जैक्टली होता है, तीन मुल्कों ने सिर्फ, 90 मुल्कों ने, 190 मुल्कों ने इंडिया के स्टांस को या सपोर्ट किया या चुप रहे। पाकिस्तान की हमायत पूरी दुनिया में सिर्फ तीन मुल्कों ने की थी, चाइना, तुर्की और मलेशिया। चाइना ने तो कर दी थी, क्योंकि हमने चाइना को ये दो एरिया दिए हुए, अक्साई चिन और तिब्बत, तो चाइना तो इस बात का मौकफ का पाकिस्तान की हमायत करता है, वैसे भी चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं, तो चाइना इस बात की हमायत करता है कि इंडिया गलत कर रहा है। हाँ जी, तब महतीर मोहम्मद होता था वहां का जो है, अब चेंज हो गया, ठीक कह रहे हैं। अच्छा, कुछ
एमसीक्यूज जो इससे रिलेटेड आपके जो है ना वो आएंगे पेपर के अंदर, या जो लेटेस्ट इवेंट में बनते हैं कश्मीर इशू से रिलेटेड। वैसे मैं आपको कश्मीर इशू की बेसिक्स भी पढ़ाऊंगा। कश्मीर इशू की जो बेसिक्स हैं वो बेसिकली जब हम पढ़ेंगे तो वो पाकिस्तान अफेयर्स में कवर हो जाएंगी, वो पाकिस्तान अफेयर्स के अंडर आ जाती हैं कश्मीर इशू। और जो उसके लेटेस्ट इवेंट हैं वो करंट अफेयर्स के जिमरे के अंदर आ जाते हैं। तो वो कश्मीर इशू में लाजमी तो नहीं है कि आपसे सिर्फ लेटेस्ट इवेंट पूछे, वो आपसे कश्मीर की हिस्ट्री भी पूछ सकते हैं ना। इसलिए हमें इसको एक लार्जर स्केल के ऊपर कवर करना पड़ेगा। तो कुछ एमसीक्यूज आप देखें जो पूछते हैं। एक आर्टिकल है, उसका नाम है आर्टिकल 370, जो इंडिया ने रिवोक किया, खत्म किया, जो एक स्पेशल स्टेटस देता था कश्मीरी लोगों को। उनके आईन का एक आर्टिकल है आर्टिकल 370, वो ये कहता था कि जो कश्मीर है उसका अपना एक फ्लैग होगा, कश्मीर अपने मामलात को खुद संभालेगा, कश्मीर के अंदर कोई जमीन हिंदू नहीं खरीद सकता। हमारे भी पाकिस्तानी, आप जो हम पाकिस्तान में लोग रहते हैं, वैसे तो कश्मीर भी पाकिस्तान ही है, लेकिन हम लोग कश्मीर में जमीन नहीं खरीद सकते। ये कुछ जो है उनको एडवांटेजेस दिए गए हैं क्योंकि वो एक स्पेशल। हाँ जी, 2019 में नरेंद्र मोदी ने ये स्टेटस वापस ले लिया। तो उन किस आर्टिकल के थ्रू ये पहले मिला हुआ था? आर्टिकल 370 के थ्रू मिला हुआ था। और क्या मिला हुआ था? स्पेशल स्टेटस टू कश्मीर। इसको 2019 में खत्म कर दिया गया। ये दो आर्टिकल हैं, एक आर्टिकल है 370 और उसकी उस आर्टिकल की उसकी एक जेली शिक है। मतलब आप जैसे कोई एस्से लिख रहे हो, उसकी एक आप हेडिंग लिखते हैं और उसके नीचे सब हेडिंग लिखते हैं ना, एक मेन सुर्खी और नीचे छोटी छोटी सुर्खियां। तो मेन जो उसकी हेडिंग है वो है 370 और उसके अंदर डिफरेंट शिक्के आती हैं, उनमें से एक शिक है 35A। इनको खत्म किया गया। कब खत्म किया गया? 2019 में। ये देखिए, कश्मीर में कर्फ्यू कब लगाया गया? 5 अगस्त 2019 को, क्योंकि उन्होंने जैसे ही कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया तो जो कश्मीर के कायदीन हैं, यासिन मलिक साहब हैं या जो उनके प्रोमिनेंट नाम है महबूबा मुफ्ती वगैरह, उन लोगों ने एहतजाज करना शुरू किया कि ये इस तरह नहीं करना चाहिए। तो इंडिया ने पूरे कश्मीर के अंदर कर्फ्यू लगा दिया, इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी और बड़े मास लेवल पे जीनोसाइड हुआ। जीनोसाइड कहते हैं किसी एक कौम के लोगों को मारा जाना, जीनोसाइड। और चूंकि वहां पे मीडिया की कवरेज ही नहीं थी, इंटरनेट नहीं था, सिग्नल ब्लॉक थे, तो जो लोग शहीद हुए, जिन्हें शहीद किया गया, उनकी तादाद का अनएक्सपेक्टेड है, बताया ही नहीं जाता, लेकिन एक मास लेवल पे जो है शहादतें की गई हैं। जो जो मतलब इस मामले को लेके आगे आया सामने, उसको शहीद कर दिया गया। और ये सब कब स्टार्ट हुआ? 5 अगस्त 2019 को। पाकिस्तान ने, हम लोगों ने बड़ी जो है वो इसके लिए आवाज उठाई। हमने जो है आधा आधा घंटा धूप के अंदर खड़े रहे। जुम्मे वाले दिन हर जुम्मे को कहा जाता था आधा घंटा धूप के अंदर खड़े होना है। हमने बहुत सारे इसके लिए सॉन्ग्स बनाए, जा जा इंडिया कश्मीर से निकल जा, साहिर अली बग्गा साहब ने, जो बड़े मशहूर सिंगर हैं। तो इस लेवल पे हमने बड़ी कोशिशें की, लेकिन जो है वो हमारी कोशिशें, जब हमने दुनिया को बताना चाहा कि हमारे साथ जुल्म हो रहा है, कश्मीर के साथ जुल्म हो रहा है, तो 3 मुल्कों ने सुना, 190 मुल्कों ने नहीं सुना। तो फिर एक साल बाद हमें ने एक बड़ा जबरदस्त काम किया। हमने क्या किया? हमने एक नया मैप इशू कर दिया और उस मैप के थ्रू 6 लाख इंडियन फौजी हमारे इस वक्त कब्जे में है। हमने ये मैप इशू कर दिया पाकिस्तान का। पाकिस्तान का जो मैप हम आज तक पढ़ते आए हैं पाकिस्तान फेयर में, इस तरह से करके, वो जो आज तक 2019 से पहले, ये 2020 से पहले, 4 अगस्त 2020 से पहले का, वो एक झूठा मैप था।
ठीक है, जो हमारी किताबों पे बना हुआ था। पाकिस्तान का जो मैप है बेसिकली वो कुछ इस तरह से है, बस पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान और केपी के, ये जो ऊपर वाले एरियाज हैं इनको हमने अपने मैप में वैसे शो किया हुआ है, ये गिलगित बल्तिस्तान और यहां से आजाद कश्मीर। ये अगर फॉर द सेक ऑफ आर्गुमेंट हम ये मान लें कि ये हमारे अंदर जम है, फिर भी आपका जो मैप है वो इतना बनता है, इस तरह का पाकिस्तान बनता है। जो हम इसको क्लोज करते हैं ना दूसरी तरफ बॉर्डर लगा के, जो हमारी किताबों में आज तक है उसमें हम कश्मीर को जो इंडिया के पास है वो भी हम ये शो करते आए हैं कि वो भी हमारे पास है, लेकिन ऐसा नहीं था। तो ये चीज एक अच्छा इंतजाम आप इसको कह लें कि हमने इस चीज को क्लियर कर दिया 4 अगस्त 2020 को कि पाकिस्तान का जो ओरिजिनल अब मैप होगा, जो नक्शा होगा वो किस तरह का होगा। तो वो नक्शा जी 4 अगस्त 2020 को पेश किया गया है, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो पेश किया, वो ये नक्शा है जी। इस नक्शे के अकॉर्डिंग जो आपका ये सारा रीजन है कश्मीर वाला, ये सारा रीजन ये ओपन रीजन है। अब ये अगर हम इसका मैप में आपको मुझे याद कराइएगा, आपको ना उसमें भेज दूंगा HD फॉर्म में, जिसको आप मतलब जूम करके देख सकते हैं। तो इधर स्टेटमेंट एक लिखी हुई है इस मैप में कि ये जो रीजन है ये डिस्प्यूटेड है और ये वेट में है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस पे अमल दरामद के, इसमें ये लिख दिया गया है। ठीक है, तो अब ये पाकिस्तान का नया मैप है। हाँ जी, इसके अंदर बेसिकली तीन चार चेंजेस की गई हैं। जूनागढ़ एक एरिया है वो भी पाकिस्तान में शामिल कर लिया गया है, इंडिया वाला कश्मीर भी पाकिस्तान में शामिल करके वहां पे उनके 6 लाख जो फौजी हैं वो इस वक्त पाकिस्तान की कैद में है। और इसके अलावा एक चेंज और करना इसमें लाजमी था, वो ओरिजिनल बनता है, ये वाले तो सिर्फ फर्जी किए गए हैं ना, जूनागढ़ वाला और ये कश्मीर वाला। लेकिन एक जो जेन्युइन बनता था वो ये बनता था ये इस एरिया का, केपीके और फाटा का मर्जर। केपीके के अंदर कुछ हमारे एरिया हैं वो एरिया कहलाते थे फाटा एरिया, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइबल एरिया, उनको केपी के खैबर पख्तूनख्वा में जम कर दिया गया है। पहले वो केपीके का हिस्सा नहीं थे। न्यू वाले में क्या चेंजेस आई हैं इसकी समझ नहीं आई? पहली चेंज तो ये समझ लेना जो मैं आपको सामने बता रहा हूं, ये जो इधर पिंक कलर का एरिया है ना ये केपी के है, खैबर पख्तूनख्वा, लेकिन पहले ये केपी के इस तरह का नहीं होता था। केपी के का साइज छोटा था, जो इसके अंदर कुछ एरियाज थे वो फाटा कहलाते थे, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटेड ट्राइबल एरियाज, ये वाले। हाँ जी, वो ये बात फिर लंबी होती जाएगी। फाटा के अंदर 7 एजेंसियां थी, कुछ के नाम आपने सुने होंगे, मेहमत एजेंसी, कोरम एजेंसी, और आपने इसी सूरत में सुने होंगे आज मेहमत एजेंसी में जो है वो खुद कुछ धमाका हो गया और इतने लोग शहीद हो गए, करम एजेंसी में आज जो है वो इतना धमाका हुआ और इतने लोग शहीद हो गए, नॉर्थ वजीरस्तान में ये मामला पेश आया और ये हो गया वो हो गया। तो वो एरिया पहले फाटा के अंदर आता था, लेकिन नए मैप के मुताबिक अब फाटा और केपी के मर्ज हो गए और फाटा अब कोई एरिया नहीं है, अब सिर्फ और सिर्फ केपी के है, खैबर पख्तूनख्वा है। एक चीज तो ये किया गया है। दूसरा चेंज नए नक्शे में ये किया गया है कि यहां कुछ एरियाज हैं नीचे जो हैं इंडिया में, लेकिन नक्शे के मुताबिक वो अब हमारा हिस्सा है। यहाँ पे जूनागढ़, प्लस कुछ जजीरे हैं, आइलैंड्स हैं,
अरेबियन सी में, नए नक्शे के मुताबिक अब उसके मालिक हम हैं। और तीसरा चेंज नक्शे का किया गया, ये वाला हिस्सा ओपन एंड छोड़ दिया गया, इसका देखें मुंह बंद नहीं किया गया। पहले जो हम पाकिस्तान मैप बनाते होते हैं उसको हम क्लोज कर देते होते हैं ना पाकिस्तान अफेयर्स की बुक्स के मुताबिक, लेकिन अब पाकिस्तान अफेयर्स की बुक्स के मुताबिक ही 2020 से अब हम पाकिस्तान के इस तरफ के एरिया को बॉर्डर नहीं लगाएंगे। ये एरिया खुला है और वेट कर रहा है रेजोल्यूशंस का, यूनाइटेड नेशंस की, कि यूनाइटेड नेशन डिसाइड करे कि ये जो एरिया है कश्मीर का, आया ये पाकिस्तान का है, आया ये इंडिया का है, या फिर यहाँ पे एक अलहदा मुल्क बनना है जिसका नाम कश्मीर होगा। तो ये जो नक्शा है जी 4 अगस्त 2020 को पेश किया गया है इन रिस्पॉन्स ऑफ जो नरेंद्र मोदी ने आर्टिकल 370 को रिवोक किया है। नक्शे में यही तो बात है ना, नक्शे में ऐड करने से फर्क नहीं पड़ता, हमारी कोई बात सुनता नहीं ना, फिर हम इस तरह की हरकतें करते हैं। चलो दिल को तसल्ली तो हो जाती है। फिर कश्मीर से रिलेटेड एक एमसीक्यू है, इससे फर्क क्या पड़ेगा, दिल को तसल्ली मिलेगी बस, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कश्मीर को उन्होंने जम कर लिया जी, अब ये वापस नहीं होना उनका फैसला, होना होता तो 5 साल गुजर गए हैं इस फैसले को। कश्मीर उनका पार्ट बन गया है, और सॉरी टू से, अगेन सॉरी टू से, कश्मीर में उनके इतनी ज्यादा ज्यादतियां हैं नहीं जितनी दिखाई जाती हैं। कभी आपकी बात हो ना इंडिया वाले कश्मीर में किसी अपने दोस्त से श्रीनगर में, तो उससे पूछिएगा कि उनके हालात कैसे हैं, वो आपको बताएंगे कि पाकिस्तान के कश्मीर से ज्यादा बेहतर हालात हैं उनके। आप बल्कि ना कभी जाइएगा कश्मीर साइड पे विजिट करने, तो कश्मीर दरमियान में सिर्फ एक दरिया है, इस तरफ आपको अपना कश्मीर नजर आता है, दरिया के पार आपको इंडिया का कश्मीर नजर आता है। आप रोड डेवलपमेंट, आप वहां का स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रिसिटी, मतलब कुछ चीजें आपको बजाहिर देखने से ही नजर आ जाती हैं, तो वो आपको बेहतर नजर आएंगी इंडिया वाले कश्मीर में। हाँ जी, फिर सेकेंडली जो G20, जो ग्रुप ऑफ 20 है, जो दुनिया की 20 बड़ी इकोनॉमीज हैं, उनका जो इस दफा इजलास हुआ है वो कश्मीर में हुआ है, इंडिया के कश्मीर में। अगर वहां पे बहुत ज्यादा जुल्म है, बहुत ज्यादा मामला जो है खराब है, तो फिर वो कॉन्फ्रेंस हो कैसे गई वहां पे? इंडिया पागल है, एक ऐसे एरिया जहाँ पे फौज का कब्जा है, वहां पे वो 20 मुल्कों के प्रेसिडेंट्स को दावत दे रहा है कि आओ। ये बस ऐसे ही है, एंड कश्मीर नो लॉन्गर वांट्स टू रिमेन विद अस। कश्मीरी लोग इंडिया के साथ भी नहीं रहना चाहते, लेकिन वो पाकिस्तान के साथ भी नहीं रहना चाहते। दे थॉट कि हमने उनको धोखा दिया है, वो लोग समझते हैं कि 2019 में जो कुछ हुआ, हमने रद्दे अमल में कश्मीर पे कोई हमला नहीं किया, कोई कुछ नहीं किया, हम सिर्फ बातों की हद तक कहते हैं कि कश्मीर हमारी शहर है, अमली तौर पे हम कश्मीर के लिए कुछ नहीं करते। हाँ जी, आजाद कश्मीर वाले वो यही कहते हैं कि हमें आजादी चाहिए, और वो ये नहीं, लेकिन वो ये नहीं कहते कि इंडिया की तरफ जाना है, वो ये कहते हैं कि हमें एक अलहदा मुल्क बना के दिया जाए जो जिसका नक्शा इस तरह से हो, पाकिस्तान कश्मीर और पाकिस्तान इंडिया और चाइना यहाँ से निकल जाए, और यहाँ पे कश्मीरी लोगों की गवर्नमेंट हो, कश्मीर एक अलग मुल्क होना चाहिए, ये लोग ये चाहते हैं। हाँ जी, वो G20 की मेरा ख्याल है फॉरेन मिनिस्टर्स की कॉन्फ्रेंस थी, वो आगे आएगी, जो जब हम इंटरनेशनल इश्यूज पढ़ेंगे ना उसमें मैं आपको सारी कॉन्फ्रेंसेस बताऊंगा, जो इम्पोर्टेंट कॉन्फ्रेंसेस हुई है ना 2023-24 में, उसके बारे में हम सारा देखेंगे।
अच्छा जी, हाँ मे बी इसको देखना पड़ेगा इस पॉइंट को। कश्मीर सॉलिडेरिटी डे पाकिस्तान में कब मनाया जाता है? 5 फरवरी को आप लोगों को छुट्टी भी होगी, इसी महीने 5 फरवरी को कश्मीर सॉलिडेरिटी डे योमिया यकजहती कश्मीर मनाया जाता है। वो मनाया क्यों जाता है और कब से मनाया जाना शुरू किया गया? कश्मीर सॉलिडेरिटी डे 1990 से मनाना शुरू किया गया है। ये मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के कहने के ऊपर, जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे पंजाब के और गवर्नमेंट थी बेनजीर भुट्टो की, गवर्नमेंट थी 1990 में, तो मियां नवाज शरीफ ने ये प्रोटेस्ट किया था और ये रखा था कि हम में कश्मीरी लोगों के लिए योम यकजहती के लिए एक दिन मनाया जाना चाहिए। तो उस टाइम फिर जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, गवर्नमेंट पाकिस्तान पीपल पार्टी की थी बेनजीर की, तो 5 फरवरी एज ए पब्लिक हॉलीडे मनाई जाना शुरू हुई। ये काम 1990 से स्टार्ट हुआ है। एक डे है जो ब्लैक डे मनाया जाता है कश्मीर पे। कश्मीर से रिलेटेड मुख्तलिफ डेज हैं जो मनाए जाते हैं। एक मनाया जाता है सोलिडैरिटी डे, वो 5 फरवरी को है। एक कश्मीर से रिलेटेड एक और दिन मनाया जाता है, उसको बोलते हैं ब्लैक डे, सिया दिन, वो मनाया जाता है 27 अक्टूबर को। 27 अक्टूबर को जो है इंडिया ने बेसिकली कश्मीर के ऊपर कब्जा किया था। हाँ जी, इंडिया के अंदर ये डेमोक्रेसी डे होता है, जीत का दिन होता है, आजादी का दिन होता है। हमारे यहाँ जो है वो ये जो है ना एज ए ब्लैक डे मनाया जाता है। क्योंकि 27 अक्टूबर 1947 को ना इंडिया ने कश्मीर के ऊपर जो है वो जो 45% हिस्सा है उनके पास, उसके ऊपर कब्जा किया था। तो जब इंडिया के पास वो हिस्सा चला गया 45%, तो हमारे लिए वो दिन जो है एज ए ब्लैक डे है और इंडिया के लिए वो एज ए उनका विक्ट्री डे है। 27 अक्टूबर 1947। फिर एक दिन और मनाया जाता है, योमे इस्तेहसाले पाकिस्तान, योमे इस्तेहसाल, डे ऑफ एक्सप्लाइटेशन, ये 5 अगस्त को मनाया जाता है। ये 5 अगस्त 2020 से शुरू किया गया है, ये नया दिन योमे इस्तेहसाले कश्मीर, क्योंकि 5 अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी ने कश्मीर के जो रीजन है उसको अपने अंदर जम कर लिया, उनका स्पेशल स्टेटस खत्म कर दिया। तो उसके नतीजे में फिर अगले साल 4 अगस्त 2020 को हमने एक नया मैप पेश किया और उससे अगला दिन हमने फिर कह दिया कि आइंदा से ये डे ऑफ एक्सप्लाइटेशन होगा, योमे इस्तेहसाल होगा, कश्मीरी लोगों के राइट्स को दबाया गया है, उनके ऊपर जबर किया गया है, तो उसके लिए ये डे मनाया जाता है। तो कश्मीर से रिलेटेड मैंने आप लोगों को बताए 3 इंपॉर्टेंट डेज, 5 फरवरी, 27 अक्टूबर और 5 अगस्त। तो ये देखिए एमसीक्यू अगर आए, 5th ऑफ अगस्त आ ब्लैक चैप्टर इन द वर्ल्ड हिस्ट्री इज, 5 अगस्त क्या है, योमे शोधाए करबला है, योमे सियाह है, योमे अरफात है या योमे इस्तेहसाल है, तो इसका राइट आंसर होगा योमे इस्तेहसाल।
फिर जी यूनाइटेड नेशंस ने इसमें क्या किरदार अदा किया, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी दुनिया के अंदर मसला होता है तो यूनाइटेड नेशंस उसके ऊपर फर्जी तौर पे आवाज एक उठाता है, अमली तौर पे तो वो कुछ भी नहीं करते यूनाइटेड नेशंस वाले, लेकिन फर्जी तौर पे वो अपनी मीटिंग्स वगैरह तो बुलाते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस की मीटिंग, यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल की जो मीटिंग है कश्मीर के ऊपर, वो कब मनाई गई, बुलाई गई है? तो वो जी पूरे एक साल बाद, जब इंडिया ने ये मामला किया रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, वो एक शिक को खत्म कर दिया अपने कानून से और अपने अंदर जम कर लिया कश्मीर को, तो उसके एक साल बाद जब पाकिस्तान ने बार बार जो है यूनाइटेड नेशंस में क्या दुनिया को कहा कि ये ज्यादती हुई है, तो उन्होंने एक इसके ऊपर मीटिंग रखी, तो मीटिंग 5 अगस्त 2020 को रखी गई है। और ये एक इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के हवाले से है, विच कश्मीरी लीडर हैज बीन सेंटेंस्ड टू लाइफ इंप्रिजनमेंट बाय इंडियन कोर्ट ऑन 25 मई 2022। 25 मई 2022 को कौन सा कश्मीरी लीडर है जिसको उम्र कैद की सजा हुई है? तो वो हैं जी यासीन मलिक, और इनकी जो वाइफ है मिशाल मलिक, वो इस वक्त उनका क्या रोल है पाकिस्तान की सियासत में? यासीन मलिक की वाइफ है मिशाल मलिक, हाँ जी, वो मिनिस्टर ऑफ कश्मीर अफेयर है पाकिस्तान की। पाकिस्तान ने मिशाल मलिक को मिनिस्ट्री का ओहदा दिया है वजीर मुमलिकत का, कश्मीर इश्यूज की जो इस वक्त वजीर है वो जो है जी इनकी मिसिज है यासीन मलिक की, जिनका नाम है मिशाल मलिक। अब जब हमारा, क्योंकि ये करंट अफेयर्स का लेक्चर चल रहा है, तो हम कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं इंडिया के बारे में जो पेपर में पूछे जा सकते हैं। अच्छा, पेपर में जो फॉरेन मिनिस्टर्स के नाम, वुजरे खारजा के नाम, प्राइम मिनिस्टर्स के नाम, प्रेसिडेंट्स के नाम जो पूछे जाते हैं, वो आम तौर पे जो हॉट कंट्रीज होती है ना, जिनके इश्यूज चल रहे होते हैं, जैसे पाकिस्तान के इंडिया के साथ मामला चल रहे हैं, ईरान के साथ हमारा पिछले दिनों पंगा हुआ है, अफगानिस्तान के साथ हमारे मामला खराब हुए हैं, तो इन कंट्रीज के वो पूछना पसंद करेगा फॉरेन मिनिस्टर कौन है, अम्बेसडर कौन है, प्राइम मिनिस्टर कौन है, प्रेसिडेंट्स कौन है, और ये पाकिस्तान लेवल की बात कर रहा हूँ। और इसी तरह इंटरनेशनल लेवल पे यूक्रेन का मसला चल रहा है रशिया के साथ, तो वो यूक्रेन के बारे में मालूम पूछेगा आपसे, रशिया के बारे में मालूम पूछेगा। फिर लेवल एक मसला चल रहा है जी फलिस्तीन का इशू, तो वो फलिस्तीन के बारे में और इसराइल के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसी तरह जो मशहूर, मतलब कोई दो मुल्कों के दरमियान जंग चल रही है, या कोई मशहूर इवेंट पेश आ रहा है, या किसी मुल्क में इलेक्शन हो रहे हैं, तो वो उसके बारे में आपसे पूछेगा कि फलां मुल्क में इलेक्शन हुए हैं तो उसके नतीजे में कौन प्रेजिडेंट बना है, कौन प्राइम मिनिस्टर बना है। तो यहाँ पे हम इंडिया के बारे में कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। इस वक्त जो इंडिया की प्रेसिडेंट हैं उनका, और ये आखिरी स्लाइड है, बाकी का लेक्चर हम कल कवर करेंगे, आज इंट्रोडक्शन में काफी टाइम लग गया चीजों का। तो प्रेसिडेंट जो है इंडिया की, वो द्रौपदी मुर्मू है, और बड़ी खूबसूरत लेडी है, आप में से बहुत सारे लोगों ने देखी होगी, नहीं देखी तो मैं अभी नेक्स्ट स्लाइड में आपको दिखा देता हूँ, और वरना इंटरनेट पे आप खुद भी देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर इनके हैं जी नरेंद्र मोदी, इंडिया का कैपिटल है न्यू दिल्ली, पॉपुलेशन वाइज दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, चाइना को क्रॉस कर गया ये, 1.428 बिलियन, 1.428 अरब लोग रहते हैं, जबकि जो चाइना है वो पहले ज्यादा होता था, लेकिन चाइना ने वर्ल्ड
वन चाइल्ड पॉलिसी मुतारफ करा दी थी। 1.427 आबादी है चाइना की। इंडिया इस वक्त दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के हिसाब से, एरिया के हिसाब से कौन सा मुल्क है दुनिया का सबसे बड़ा? आबादी के हिसाब से तो इंडिया हो गया, एरिया के हिसाब से, रकबे के हिसाब से। हाँ जी, रशिया। रशिया सबसे बड़ा मुल्क है। ये देखें जी, इंडिया की 15वीं प्रेसिडेंट हैं, इसको वोट किसने दिया होगा यार, कौन लोग थे? 25 जुलाई 2022 को ये प्रेसिडेंट बनी है। अच्छा, अब मुझे याद है अच्छी तरह, ये 25 जुलाई से पहले का पेपर था एडी लेवल का, उसके अंदर उसने इंडिया के प्रेसिडेंट का नाम पूछा हुआ था, और अक्सर लोग नरेंद्र मोदी के ऊपर टिक करके आए थे, हालांकि नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर है, ही इज नॉट द प्रेसिडेंट। तो वो जो जरा हार्ड लेवल के पेपर होते हैं, एडी लेवल के पेपर होते हैं, उसमें इस तरह से चीज को घुमा भी देता है, ठीक है? जैसा कि रशिया का इस वक्त प्राइम मिनिस्टर कौन है, हमने तो सिर्फ नाम प्यूटन प्यूटन का सुना होगा आप में से अक्सर ने, व्लादिमीर प्यूटन, लेकिन व्लादिमीर प्यूटन जो है वो रशिया का प्रेसिडेंट है, वहां का प्राइम मिनिस्टर मीशा खेल करके उसका नाम है, वो आगे आएगा स्लाइड्स में बाद में ना, करंट अफेयर्स में वो है, ठीक है? तो ये चीज, ये ऑब्जेक्टिविटी कहलाती है कि आपने एमसीक्यू को अच्छी तरह से पढ़ के जज करना है कि वो आपसे पूछना क्या चाह रहा है। आपने ये नहीं, निशान आपको जो पता है वो नहीं बताना, जो एग्जामिनर आपसे पूछ रहा है वो आपने उसका जवाब देना है। एमसीक्यू टेस्ट में बेसिकली आपकी ऑब्जेक्टिविटी चेक होती है कि क्या गिवन ऑप्शन में से एक बंदे ने स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड किया और क्या उसने सही पॉइंट पिक किया है या नहीं। और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जी नरेंद्र मोदी हैं, और इनकी सरबराई में इंडिया जो है वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गया है। यूनाइटेड किंगडम, बर्तानिया, जो कि कभी पूरी दुनिया को कंट्रोल करता था, उसकी इकोनॉमी को भी क्रॉस कर गया है। ये नहीं, वो ना करें इस पे पॉलिटिकल कमेंट ना करें। नरेंद्र मोदी कौन है जी? नरेंद्र मोदी एक इंडियन पॉलिटिशियन है जो 14th प्राइम मिनिस्टर है इंडिया का, और ये पहले गुजरात का जो है वो चीफ मिनिस्टर रहा था। इंडिया के अंदर भी जैसे हमारा गुजरात है, इंडिया के अंदर भी एक जो है एरिया है उसका नाम गुजरात है, तो उसका जो है चीफ मिनिस्टर पहले ये रहा है नरेंद्र मोदी, ठीक है? और ये जो है इसके ऊपर कहते हैं चाय बेचने वाला, इसका वालिद चाय बेचा करता था बेसिकली। इसने अपनी मास्टर्स डिग्री की हुई है, ये नहीं है कि बिल्कुल ही कोई अनपढ़ बंदा है जो सीट के ऊपर आ गया, इसका मास्टर्स है, ठीक है? और इसके वालिद साहब चाय बेचा करते थे, इसको सियासत के अंदर जरा इंटरेस्ट था। इनका एक विंग है जो कट्टर हिंदू विंग है, जो उसको बोलते हैं बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, ये बीजेपी का मेंबर है। जैसे हमारे यहाँ डिफरेंट जमातें हैं ना, पीटीआई है, पीएमएलएन है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, तो वहां की जो मेन जमात है वो दो जमातें हैं, एक है जो जिनका आपस में मुकाबला होता है, एक है इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसको ये रजी ये जो है राहुल गांधी लीड कर रहे हैं आजकल, और ये जो पार्टी है ये बीजेपी है जो विन करती आ रही है, भारतीय जनता पार्टी। और इनकी आइडियोलॉजी बड़ी सख्त कट्टर आइडियोलॉजी है, हिंदू आइडियोलॉजी है। ये कहते हैं कि सारे मुल्क में सिर्फ हिंदू ही होने चाहिए, मुसलमान, क्रिश्चियन और बाकी सब जो हैं वो हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं है, ये सरजमीन सिर्फ जो है हिंदू लोगों से तल्लक रखती है, ये इनका ये मानना है। इनकी जो एक हिंदू विंग है आरएसएस, राष्ट्रीय स्वामी सेवक संघ, बड़ा मुश्किल लफ्ज है, आरएसएस आइडियोलॉजी, ठीक है जी? तो
तो ये हमारा आज का लेक्चर था। किसी किस्म का आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। तो बाकी का जो होगा इसकी लेक्चर की कंटिन्यूएशन, वो इंशाल्लाह हम जो है मंडे को पूरी करेंगे। कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। चलें ठीक है, मेरा ख्याल है क्वेश्चंस नहीं है आपको, आप लोगों का कोई। अल्लाह हाफिज़।